rede, na rede, na rede. Olá! Olá. Lá, 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 lá. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त होगे। तो अभी आप लोगों ने जिस वीडियो को प्रीव्यू पे देखा है, आप लोगों ने कुछ इस टाइप की वीडियो अपने इंस्टाग्राम के अंदर तो देखा ही होगा। इस टाइप की वीडियो अभी के टाइम पे काफी ज्यादा वायरल हो रही है, ठीक है। तो आप लोग इस टाइप की ब्लर वाली वीडियो को किस तरीके से बना सकते हो, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। एंड गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम इस चैनल पर रोज लेके आते रहते हैं। तो चलिए गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। ओके, तो गाइज सबसे पहले आ जाना है आप लोगों को अपने कैपकट एप्लीकेशन के अंदर। सो यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो है अपना कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। सिंपल से यहाँ पे हम प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे गैलरी के अंदर जितनी भी वीडियोस हैं वो हमारे सामने आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेना, जिस वीडियो को आप लोगों को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, ठीक है। तो उस वीडियो को डाउनलोड करना और कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइज जो हमारी वीडियो थी वो ऐड हो चुकी है। सो यहाँ पे जो कैपकट की तरफ से एक वाटरमार्क दे देता है, इसको हम डिलीट कर देंगे हमेशा की तरह। और गाइज यहाँ पर एक बार मैं आप लोगों को इस वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस टाइप की हमारी वीडियो है, ब्लैक स्क्रीन वाली, ठीक है। अभी गाइज हमें क्या करना है कि अपने फोटो को ऐड करना है। तो सिंपली से हमें प्लस के आइकन पर क्लिक करना होगा। एंड जैसे प्लस के आइकन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर देख सकते हो फोटोज का एक ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है। सिंपली से गाइज आप लोगों को इस फोटोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे आप लोगों के गैलरी में जितनी भी फोटोज हैं वो आप लोगों के सामने आ जाएंगी। तो यहां पर गाइस टोटल आप लोगों को 4 फोटोज सेलेक्ट कर लेने हैं अपने, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए यहां पर मैंने रोहित भाई की कुछ फोटोज को ऐड कर लिया है इंस्टाग्राम से डाउनलोड करके। तो आप लोग यहां पे ना अपनी फोटो का यूज करना, ठीक है। इतना करने के बाद गाइस अब आप लोगों को क्या करना है कि जितनी भी आप लोगों की फोटो फुल स्क्रीन पे नहीं है ना, उनको दोनों फिंगर से पकड़ के कुछ इस तरीके से आप लोगों को पूरे फुल स्क्रीन पे ऐड करना है, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो यहां पर मैं कर रहा हूं, सेम इसी तरीके से आप लोग भी यहां पर कर लेना, ठीक है ना। तो इसको भी मैं कर लेता हूं अच्छी तरीके से ऐड। तो आप लोग भी सेम इसी तरीके से करना गाइस, अपने सारे फोटोज को फुल स्क्रीन पे ऐड कर देना, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से एडजस्ट कर देता हूं कुछ इतना, ठीक है। इतना करने के बाद यहां पर देख सकते हो हमारे जितने भी फोटोज थे, हमने सारे फोटोज को फुल स्क्रीन पे ऐड कर लिया है। अभी गाइस हम क्या करेंगे कि ऑडियो पे चलेंगे, ठीक है। ऑडियो पे जाने के बाद यहाँ पे साउंड्स पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। एंड जैसे ही साउंड्स पे क्लिक करोगे गाइज, मैं आप लोगों को ना साउंड भी दे दूंगा, ठीक है, उस वीडियो के साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो कुछ इस तरीके से साउंड को भी ऐड कर लेना आप लोग, ठीक है ना। तो जैसे ही गाइस साउंड को ऐड करोगे, इस साउंड वाले लेयर पे क्लिक करके यहाँ पे मैच कट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना नीचे, ठीक है। एंड आप लोगों को कुछ इस तरीके से म्यूजिक को प्ले करना है। और देखना जैसे जैसे मैं बीट लगा रहा हूँ ना, मतलब आप लोग म्यूजिक सुन ही लोगे, ठीक है, कहाँ कहाँ पे बीट लगाना है वहाँ वहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐड बीट पे क्लिक जैसे ही करते जाओगे ना, तो आप लोगों का जो बीट है वो लगते जाएगा। बाकी यहाँ पे आप लोग सेकंड भी देख सकते हो कि मैंने कितने कितने सेकंड पे अपना जो बीट है उसको ऐड किया, ठीक है। तो यार मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग म्यूजिक जो है उसको सुन के बीट लगाना तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। इतना करने के बाद गाइज अभी देख सकते हो हमारे सॉन्ग के लेयर्स में देखो येलो कलर के छोटे 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 डॉट्स हैं, ठीक है, वो है हमारे बीट। तो उसके हिसाब से गाइज अब सारे फोटोज को आप लोगों को सेट करना है, मतलब बीट के हिसाब से आप लोगों को सारे फोटोज को अपने सेट करना है, जिस तरीके से यहां पर मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से आप लोगों को भी कर लेना है, जैसे कि यहां पर मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो इसको भी हम कुछ इतना रखते हैं। एंड इतना करने के बाद इसको भी हम कुछ इस तरीके से ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब गाइज इतना करने के बाद अभी हमें अपने फोटो पे एनिमेशन ऐड करना है। तो एनिमेशन ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, फोटो वाले लेयर पे क्लिक करना है, फर्स्ट वाले फोटो पे। एंड यहां पर नीचे देख सकते हो जस्ट एनिमेशन का ऑप्शन है, यहां पे क्लिक कर देना। यहां पर 3 ऑप्शन आएंगे, तो इन पे क्लिक कर देना। और यहां पर देख सकते हो आप लोग चौथे या पांचवें नंबर पे रॉक करके एक है, ठीक है, इसको आप लोगों को अपने सारे फोटोज पे ऐड करना है, ठीक है। अलग अलग नहीं करना है, यहां पर जो भी ऐड करोगे एक ही सारे फोटोज पे ऐड करना, एक ही एनिमेशन, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं सारे फोटोज पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। इतना करने के बाद यहाँ से मैं इसको डन कर दूंगा। अब गाइज यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से हमने एनिमेशन भी ऐड कर लिया, लेकिन आप लोगों ने प्रीव्यू पे वीडियो में देखा होगा ब्लर भी था, ठीक है, लेंस ब्लर। तो अभी गाइज आप लोगों को लेंस ब्लर किस तरीके से डालना है मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट बीट के पास आ जाना कुछ इस तरीके से, देन बैक करके यहाँ पर देख सकते हो इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे वीडियो इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, एंड गाइज जैसे यहाँ पर आओगे तो बेसिक वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आके यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट नंबर पे डायमंड जूम का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके यहाँ से इसको डन करना और इसको कुछ इस तरीके से गाइज इसको छोटा कर देना, ठीक है, मतलब अपने फोटो के आधा रखना। एंड इतना करने के बाद अभी इस पे इस लेयर पे क्लिक करना, कॉपी करना, एंड इसको आप लोग सेकंड बीट के पास कुछ इस तरीके से ले जाना, ठीक है, देन फिर से इस पे क्लिक करना है, कॉपी करना, देन इसको थर्ड बीट के पास ले जाना कुछ इस तरीके से, ठीक है, देन क्या करना है फिर से इस पे क्लिक करना, फिर से कॉपी करना, एंड इसको फोर्थ बीट के पास कुछ इस तरीके से सेट कर देना, एंड इसको थोड़ा सा गाइस क्या करना ना आप लोग छोटा कर देना, ठीक है, क्योंकि लास्ट वाला जो हमारा फोटो है वो छोटा है। अब गाइस जो हमारी यहाँ पर वीडियो है ना वो कंप्लीटली रेडी हो चुकी है बनके। सो एक बार मैं आप लोगों को ना यहाँ पर वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। तो आई नो आप लोगों को म्यूजिक सुनाई नहीं देता होगा, मैंने जानबूझ के म्यूजिक को म्यूट कर दिया बिकॉज कॉपीराइट आ सकता है। बाकी यहाँ पर देखो आप लोग जिस तरीके का आप लोगों ने प्रीव्यू पे वीडियो देखा था सेम उसी तरीके से यहाँ पर जो वीडियो है हमने बनाकर आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए कि आप लोगों को कुछ इस टाइप का सेम वीडियो किस तरीके से बनाना है। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम आया तो यार मुझे कॉमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो, आपके कॉमेंट का रिप्लाई मैं जरूर से करूंगा, ठीक है। अब गाइज मान लो अगर आप लोग इस वीडियो को शेप करना चाहते हो तो ऊपर जो एरो का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना और ये वीडियो गाइज आपकी गैलरी के अंदर सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप गाइज ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना। बाकी यार मैं मिलता हूं किसी ऐसी कमाल की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक ले टाटा बाय बाय।